आप क्या कर रहे हैं, आप ओरिजिनल सिंगर के इन्फ्लेक्शंस आप अपने गाने में डाल रहे हैं। पहले वाले में अरिजीत के इन्फ्लेक्शंस थे, इस वाले में आतिफ के इन्फ्लेक्शंस हैं, बहुत सारे भर भर के। सो हेलो गाइस, आई एम बैक विद अनदर रिएक्शन वीडियो। और आज हम देखने वाले हैं लक्ष्य की इंडियन आइडल में पहला ऑडिशन। पहले वीडियो देखते हैं, बाद में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना देर के। इससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक करिए। हम स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना देर के, चलो। नहीं, वो आती, मतलब जैसे वो आएंगी मेरे पास, बोलेंगी नहीं यार यू सो क्यूट, यू दिस एंड दैट, एंड ये होता है। बट आई हैव अ गर्लफ्रेंड फ्रॉम पास्ट वन ईयर एंड आई एम वेरी लॉयल टू हर। हम एलडीआर में है। एलडीआर मतलब लो कोलेस्ट्रॉल? अरे सर, एलडीआर जैसे इंस्टाग्राम पे चल रहा है ना आजकल, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। अच्छा, मुझे लगा कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड। मैं भी एलडीआर में हूँ, सिंगिंग के साथ में भी। कहाँ रहते हैं वो मोहतरमा? मैं बता नहीं सकता, उनको पता लग जाएगा। अपने घर पे रहती है? घर पे रहती है। या ये काफी एलडीआर में रहे हैं मुझे लग रहा है आप। चलो करिए शुरू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सर। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को एलडीआर बोलते हैं लोग? हाँ, एक्चुअली है ये, होता होगा। मुझे वैसे आजकल कुछ समझ नहीं आता, दिस जेन जी लैंग्वेज, तो आई कांट अंडरस्टैंड। कोलेस्ट्रॉल वाज करेक्ट, एलडीएल होता है, सॉरी। चलो गाना सुनते हैं भाई। बेरंगे थे दिन, बेरंगी शाम आई है तुमसे रंगीनियां, फीके थे लम्हे जीने में सारे, आई है तुमसे नमकीनियां। बेइरादा रास्तों की बन गए हो मंजिलें, मुश्किलें हल है तुम्ही से या तुम्ही हो मुश्किलें। तुम क्या मिले, तुम क्या मिले हम ना रहे हम, तुम क्या मिले जैसे मेरे खिले फागुन के मौसम। तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, तुम क्या मिले। बढ़िया था भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बताओ आप कुछ और एक गाना सुनने का है। गाइस इफ यू डोंट माइंड आई विल जस्ट व्हाट ऑल सॉन्ग्स, जल्दी से आप कुछ एक दूसरा कोई गाना गा दोगे? हाँ, दीज आर द सॉन्ग्स, हुआ मैं, बेख्याली, पहली नजर में। आप पहली नजर में गाइए। जाने क्या होगा, सी इज गोना डू इट एग्जैक्टली दिस, एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई आई वांट टू हियर। No, I want to hear it for that reason. I can even tell him. Pehli nazar mein kaisa jadoo kar diya, tera pan baitha hai mera jiya. Jaane kya hoga, kya hoga, kya bata? Is pal ko mil ke aaj hi le zara. Main hoon yahan. क्या हुआ? आप क्या कर रहे हैं, आप ओरिजिनल सिंगर के इन्फ्लेक्शंस आप अपने गाने में डाल रहे हैं।
पहले वाले में अरिजीत के इन्फ्लेक्शंस थे, इस वाले में आतिफ के इन्फ्लेक्शंस हैं, बहुत सारे भर भर के। आप अच्छा गाते हो लेकिन आप अपना नहीं गा रहे हो। जिस दिन आप उनकी नकल करने लग जाओगे, आप होटल रेस्टोरेंट में गाते रह जाओगे। आप इंडियन आइडल नहीं बन सकते किसी और के स्टाइल में गा के। ये सेम गाना गाओ आप पहली नजर में, जस्ट सिंग इट एज यू, शो मी यू कैन डू इट ब्रो, वी नीड टू फाइंड यू, कम ऑन। अरे भाई साहब, टफ कॉम्पिटिशन, मुश्किल गाड़ी में डाल दिया बेचारे। वो जाने जा दोनों जहां, मेरी बाहों में आ भी जा। वो जाने जा दोनों जहां, मेरी बाहों में आ भी जा। Baby, I love you. Yes, sir. Baby, I love you. Baby, I love you. Baby, I love you so more. Baby, I love you. I love you. I love you. Kya baat? Super, super, super. So much better. So much better. Thank you so much, sir. Bro, listen. Aapki awaaz bahut achhi hai. Really like your voice. Really don't like the imitating. जितने भी सिंगर हैं आप सीखो जरूर, बट आपको आर्टिस्ट अगर बनना है तो यू हैव टू फाइंड योर ओन स्पेस, ठीक है? एंड आई रियली लाइक कि आपने कोशिश की, तीसरी बार चेंज हुआ मामला, सो यू लर्न क्विक, आई लाइक इट, मेरी तरफ से हाँ। थैंक यू सो मच सर। लक्ष्य, मुझे तुम्हारी आवाज बहुत पसंद है, मतलब मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि तुम स्टेज पर हो और 50,000 people are crooning with you. वो तुम्हारा charm भी है, तुम्हारी आवाज में एक rock star, pop star वाली vibe है. But ये जो influences जो बैठी हुई है एकदम अंदर, इसको unlearn कर पाओगे कि नहीं, उसका मुझे confidence नहीं है, इसलिए मेरी तरफ से मैं ना करती हूँ। अगला theater round है, सर को confidence है, मैम को थोड़ा सा confidence कम है, मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ ताकि वो थिएटर राउंड में जो जो चीजें हैं हम सबको खटके हैं वो तुम निकाल कर दो। हाँ, एक ना, चलो ठीक है। थैंक यू सो मच सर। यू हैव टाइम, चलो भाई, यू हैव टाइम, बहुत बढ़िया, ठीक है। बादशाह भाई अच्छा कर रहा है इस सीजन में, मतलब पहले एपिसोड में एक बंदे को चांस दिया, अभी दूसरे बंदे को चांस दिया, बड़ी बात है भाई। तो चलो, मतलब हाँ, सीखने को मिलेगा, तो अगले राउंड में आने के लिए बहुत और ज्यादा प्रिपेयर करना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से ये जो तीनों ही वर्जन था बहुत ही बढ़िया था मेरे हिसाब से। जो कि भाई देखो, आप अलग अलग, मतलब अलग अलग वर्जन, अलग अलग वॉइस में और अलग अलग सिंगर की बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया वो, और अपना खुद का आवाज़ में भी भाई दम है, खुद के आवाज़ में भी दम है, वो क्वालिटी तो है भाई हमें हाँ सुनने को मिला, और बहुत बढ़िया। आगे देखते अगले राउंड में क्या करते हैं ये। तो इससे पहले हम और कुछ ऑडिशन है वो भी देखेंगे, तो आप लोग बताइए आप लोगों को कैसा लगा वीडियो। अच्छे से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे वीडियोस के लिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।